हेलो दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिष्टी दोही, इसको मीठी दही भी बोलते हैं। ये कलकत्ता की फेमस रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिष्टी दोही बनाना। तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगता है। तो मीठी दही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है, खट्टा दही लिया है 1/2 कप, केसर लिया है, इलायची ली है और 1 लीटर दूध लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूध को गैस पे रख दिया है, दूध उबलने तक हम वेट करेंगे। तो अभी दूध उबल चुका है। दूध उबलने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच डाल दिया है और इसको हमें लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही पकाना है मीडियम गैस पे। 10 मिनट होने के बाद मैंने यहाँ पे 4-5 केसर के धागे डाल दिए हैं और इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। केसर डाल के 10 मिनट हो चुका है तो अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। हमें यहाँ पे आधी चीनी इसमें डाल देनी है और आधी बचा के रखनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दूध को कितना अच्छा कलर आया है केसर का, और दूध जो है ये बहुत गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब मैं डालूंगी इसमें इलायची पाउडर और गैस को बंद करके रखूंगी अभी। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर पैन रख दिया है और पैन में जो हमने चीनी बचा के रखी थी वो डाल दी है। गैस को मीडियम रखना है। यहाँ पे चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है तो अब हम इसको गरम दूध में डाल देंगे। चीनी को दूध में डालने के बाद हमें चम्मच से उसको लगातार चलाते रहना है और उसी टाइम दूध भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो हम चम्मच से उसको हिलाते हैं तो दूध यहाँ पे ठंडा हो चुका है। पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है उसको। और अब मैं इसमें ये दूध डाल दूंगी। दूध गुनगुना गर्म है। मैंने दूध इसमें डाल दिया है तो मैंने जो दही लिया था ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा दही है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनमें 2-2 चम्मच डालते जाएंगे। खट्टा दही 2-2 चम्मच डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तो मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम ढक के रखेंगे। हमें इसको 17 या 18 घंटे के लिए ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो। 18 घंटे हो चुके हैं, 18 घंटे तक मैंने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। तो अभी ये बनके रेडी है, आप देख पा रहे हो ये कितनी गाढ़ी बनके तैयार है। ये देखिए ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही गाढ़ी मिष्टी दही बनके तैयार है। और ये जो पीला कलर है ये केसर का कलर है। तो अभी 1 चम्मच के जरिए मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी। तो देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। इसमें का भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, तो ज़रूर ट्राई करना है मेरी ये रेसिपी। तो लास्ट में इसको फ्रिज में रख देना है क्योंकि ये ठंडी ही बहुत अच्छी लगती है। खाना खाने के बाद या दोपहर में आप इसको खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी है ये। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।